फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि ऑन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये शाओमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको अपने डायल पैड पर जाना है, और जैसे ही आप अपने डायल पैड पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी नंबर को आप डायल कर लेंगे। तो मैं इस नंबर को डायल कर लेता हूँ। डायल करने के बाद आप देख सकते हैं एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा। जैसे आपका कॉल पिक हो जाएगा तो ये रही आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को एक्टिव कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी कॉल कट हो जाए तो यहाँ से जो माइक का ऑप्शन आता है, हम यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग को सुन भी सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।